हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। आज मेरी चर्चा का विषय है कि क्या इस समय जो 5 राज्यों में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इनके परिणामों का आगामी लोकसभा 2024 के चुनावों पर असर होगा। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो क्या विधानसभा के ये चुनाव लोकसभा के चुनावों के लिए सेमीफाइनल हैं? दोनों का आपस में कोई संबंध होगा? कोई राजनीतिक माहौल इससे बनेगा, बदलेगा? ये पहली बार नहीं है कि 2023 में लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बल्कि 2019 में भी ऐसा ही हुआ था और 2014 में भी ऐसा ही हुआ था। 2014 में 4 राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। दिल्ली में केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। शेष 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई थी, जिनमें से 2 राज्यों में तो पहले से ही उनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। राजस्थान में भी उस समय वो अशोक गहलोत जी की सरकार को हटाकर चुनाव जीत गए थे और वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री बनी थी। 2014 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उस समय एंटी इनकम्बेंसी की लहर अपने चरम पर थी और मनमोहन सिंह जी की UPA 2 सरकार चुनाव हार गई। मोदी जी पूर्ण बहुमत से पहली बार प्रधानमंत्री बनने वाले विपक्षी नेता बने, गैर कांग्रेसी नेता बने और फिर 2018 में फिर एक बार चुनाव हुआ। अब इस बार दिल्ली का नहीं था, लेकिन 3 राज्य थे, प्रमुख 3 राज्य, और उस बार चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में सरकार चली गई, बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस चुनाव जीत गई और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में बहुत हल्की मेजॉरिटी मिली कांग्रेस को और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में भी बहुत ही हल्की मेजॉरिटी मिली किसी तरह से जुगाड़ करके और वहाँ एक बार फिर से अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने। यानी इन 3 राज्यों में बीजेपी चुनाव हार गई। लेकिन ये क्या, 2019 के मई में जब चुनाव हुआ तो 2018 के नवंबर में जो रिजल्ट आया था विधानसभाओं का इन राज्यों में, उसका कहीं कोई असर देखने को नहीं मिला लोकसभा के चुनाव पर। इन 3 ही राज्यों में बीजेपी ने लगभग सारी सीटें जीती, लगभग सारी सीटें। ऐसा लगा ही नहीं कि 6 महीने पहले यहाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई है या लगभग बराबरी पर दोनों पार्टियां रही हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्या इस बार के चुनाव में 2023 में जो परिणाम आएगा इन विधानसभाओं में, उसका भी 2024 के लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा? पिछली बार नहीं पड़ा, तो हमको पहले राजनीतिक घटनाक्रम में अगर कोई बदलाव हुआ है 2019 से 2023 और 24 में जो दिख रहा है, उस पर चर्चा करनी होगी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो 2 नए मुद्दे जुड़ गए हैं भारत की राजनीति में। एक नया मुद्दा है संविधानवाद, संविधान खतरे में, संविधान बचाओ, संविधान की ओर लौटो। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और ये मुद्दा इतना बड़ा है, इतना गहरा है, इतना सेंटिमेंटल है कि ये लगभग उतना ही है जैसे हिंदू खतरे में है। यानी जैसे विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों से सारे चुनाव हिंदू खतरे में है पर हो रहे थे, अब ये चुनाव संविधान बचाओ की तरफ लौटने लगे हैं। मैं एक चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक फिजा की बात कर रहा हूं देश के भीतर की। और दूसरा उससे भी ज्यादा सेंटिमेंटल मुद्दा आ गया, वह है जाति जनगणना। भारत की राजनीति में सेंटिमेंटल मुद्दों का बहुत महत्व रहा है हमेशा से। 77 के चुनाव में इंदिरा जी हार गई थी, इमरजेंसी की वजह से उपजे जनाक्रोश के कारण। लेकिन इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी थी, उसके पहले विपक्ष ने क्या ऐसा किया था, उस पर आज तक कोई चर्चा नहीं हुई, नहीं कोई देश जान पाता है। ऐसे ही जन लोकपाल के मुद्दे के आधार पर अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया, भारत आंदोलित हो गया, समझ नहीं पाया देश आज तक कि वो आंदोलन क्यों हुआ था, लेकिन सरकार बदल गई। तो ऐसे ही देश की राजनीति में मुद्दे बदल गए हैं। अब हम इसको साबित करते हैं कि कैसे बदल गए। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर चलिए।
हिमाचल प्रदेश के चुनाव के साथ साथ गुजरात का भी चुनाव हुआ। कांग्रेस उस समय भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के नेतृत्व में व्यस्त थी। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश को संभाला, लेकिन कांग्रेस ने चाहे जानबूझकर रणनीति के तहत या अपनी असमर्थता के कारण गुजरात को छोड़ दिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी, एक नई नवेली पार्टी प्रवेश करती है और 5 सीटें जीत जाती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा के तत्कालीन और वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का गृह राज्य है, वहां चुनाव हार जाती है बीजेपी। वहां भी हिंदू मुस्लिम करने वाले एक बहुत बड़े नेता हैं अनुराग ठाकुर जी, और वो वहां बहुत बड़ी कंपेनिंग भी कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी तो थे ही वहां। आप जानते हैं कि सारे चुनाव प्रधानमंत्री जी अपने चेहरे पर लड़ते हैं, लेकिन वहां बुरी तरह हार हुई और कांग्रेस पूर्ण बहुमत में लौटी। ये माना गया कि हिमाचल प्रदेश का ट्रेंड है कि एक बार एक पार्टी और अगली बार दूसरी पार्टी सत्ता में आती है, इसलिए उस चुनावी परिणाम को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन ये क्या, कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य दक्षिण में बीजेपी का न केवल प्रवेश द्वार था, बल्कि बीजेपी के हिंदुत्व की बहुत गहरी प्रयोगशाला भी बन गया। देखा गया कि जब से वहां कर्नाटक में चुनी हुई सरकार की बजाय छीनी हुई सरकार बनाई गई थी, जी हां, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, 3 राज्यों में चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि छीनी हुई सरकार केंद्र सरकार के दम पर बीजेपी चला रही है। लेकिन उस सरकार के रहते बीजेपी ने हिंदुत्व का एक ऐसा मुद्दा उठा दिया था जो किसी भी तार्किक और उदारवादी व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत परेशान करने वाला था। वह था हिजाब के विरोध का मुद्दा, और वह विरोध सरकार नहीं कर रही थी बल्कि सरकार वहां तमाशबीन थी, और हिंदू संगठनों के विद्यार्थी या लड़के, न जाने वो कौन थे, वो एकदम चमचमाते भगवा गमछे बांध कर आते थे, एकदम एक जैसे, मानो कि कोई दुकान स्तर से खोल दी गई हो या कहीं से उनको दिया गया हो प्रायोजित करके। और वो लड़के शिक्षा की मांग नहीं करते कभी दिखे, कभी शांति की मांग करते नहीं दिखे, बल्कि वो मुस्लिम लड़कियों के हिजाब हटाने के विरोध में हू हू करते दिखाई दिए। इससे अधिसंघ के हिंदू भी नाराज हो गए कि हमारी पहचान बहुत खराब की जा रही है। लेकिन सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं था। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि बीजेपी ने ट्रिपल तलाक को बैन करने का जो अपना सहयोग का रूप दिखाया था, सहयोग का रूप इसलिए क्योंकि ट्रिपल तलाक को सायरा बानो बेगम नाम की एक मुस्लिम महिला के मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, लेकिन उस बैन का जिस तरह से बीजेपी ने स्वागत किया और फिर उस पर तत्काल कानून बना दिया, उससे उनको मुस्लिम महिलाओं में एक पॉलिटिकल माइलेज मिला था। 2017 के यूपी चुनाव में बहुत लाभ मिला था, 2022 के चुनाव में भी इसका लाभ मिला था। इसे हर कोई जो तर्कवादी व्यक्ति है, जो महिलाओं के पक्ष में सोचने वाला है, वो बीजेपी का अच्छा कदम माना था। लेकिन अब क्या, अब वही लोग ये मान लिए कि ये तो बहुत खतरनाक है कि लड़कियों को हिजाब पहन के आने की वजह से एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया जाए। तमाम लड़कियों को एग्जाम देने से मना कर दिया गया, स्कूल आने से मना कर दिया गया। आप कोई भी सुधारवादी कदम जबरदस्ती नहीं लगा सकते, माहौल बनाइए, धीरे धीरे सब लोग आ जाएंगे, मॉडर्न बन जाएंगे। तो उससे बहुत नकारात्मकता पैदा हुई। जब वहां चुनाव चल रहा था उस समय तो स्वयं प्रधानमंत्री जी चुनाव की कमान संभाले और उन्होंने बजरंग बली की एंट्री कराई चुनाव में। किस आधार पर, कि बजरंग दल की आलोचना कर दी थी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस ने, उसके आधार पर अपने प्रधानमंत्री जी ने बजरंग बली का अपमान घोषित किया और चुनाव को पोलराइज करने का प्रयास किया। 80-20 का फार्मूला दिया गया, लेकिन ये क्या, पूरी तरह से चुनाव एक पक्षी हो गया, बुरी तरह से करारी हार हुई बीजेपी की। और उस समय उस चुनाव में ये भी देखने को मिला कि बीजेपी के स्थानीय वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर के कांग्रेस की तरफ जा रहे थे। ध्यान दीजिए मित्रों कि अगर वरिष्ठ नेता लोग किसी राज्य में पार्टी छोड़ करके उस पार्टी को जो केंद्र में सत्ता में है दूसरी पार्टी में जा रहे होते हैं, तो केवल स्थानीय राजनीति में बदलते समीकरणों भर से नहीं करते हैं,
बल्कि उनको ये आहट हो चुकी होती है या उनका अपना ये अनुमान हो चुका होता है, जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो सब कुछ जान ही लेते हैं लोग, लेकिन कम से कम उनको ये अनुमान हो चुका होता है कि राज्य में अभी जा रहे हैं अब केंद्र में भी कमजोर पड़ने ही वाले हैं। इसी नाते मौका रहते ही लोग पाला बदलते हैं। अब आते हैं कर्नाटक के चुनावों के बाद के चुनाव पर। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा में एक चुनाव हुआ, जो मेरे गृह जनपद में आने वाली विधानसभा है, हमारी विधानसभा से सटी हुई विधानसभा। कहने को तो वो उपचुनाव था, लेकिन हम इस उपचुनाव की तुलना, मैं किसकी तुलना कर रहा हूं, घोसी उपचुनाव जो 2023 में अभी हुआ है हाल ही में, और जो 2017 में उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, गोरखपुर, फूलपुर और कैराना के, जिसमें विपक्ष जीत गया था, लेकिन जब लोकसभा का वास्तविक चुनाव हुआ तो उसमें ये सारी सीटें बीजेपी जीत गई। क्यों नहीं हो सकती तुलना? क्योंकि घोसी के चुनाव में सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, 50-50 मिनिस्टर इतनी छोटे से क्षेत्रफल वाली विधानसभा में एकदम ग्रामीण इलाके में भेज दिए, डिप्टी सीएम दोनों, सीएम जी योगी आदित्यनाथ जी एक बार गए, तमाम कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार के, हर तरह से, और यहां तक कि वहां स्थानीय समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा था, सुहेल देव समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के साथ थे। और मैं आपको बता दूं कि जिन दो जिलों में, तीन जिलों में राजभर समुदाय की जनसंख्या अधिक है, उनमें से एक घोसी विधानसभा भी आती है। चौहान, दारा सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के टिकट से, वो चौहान की सबसे बड़ी आबादी वाला इलाका है, यानी दो बड़ी जातियों वाला इलाका, और वो दोनों बड़ी जातियां बीजेपी के साथ खड़ी थी, फिर भी वह चुनाव बहुत बुरी तरह से हार गई बीजेपी। आखिर ये हो क्या रहा था? तो अब हमको ये जानना पड़ेगा कि अब बीजेपी के हिंदुत्व का वह प्रभाव नहीं रह गया जो कभी हुआ करता था। अब आते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव के संभावित परिणाम की। सारे एग्जिट पोल एक तरफ से अगर देखे जाएं और सबका एक संतुलन निकाल ला जाए, तो उतने से भी 90% संभावना है कि इन तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, कांग्रेस आ सकती है। 10-30% की संभावना राजस्थान को लेकर है कि संभवतः वहां बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला हो, कोई एक दो सीट आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, मिजोरम में तो वहां के इनके गठबंधन के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया है ऐन चुनाव के समय पर, फिर भी उस राज्य का भारत की राजनीति पर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इस नाते हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल इन्हीं तीन राज्यों की बात कर रहे हैं। पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि राज्यों के जो स्थानीय नेता हैं, या तो प्रधानमंत्री जी से उनकी ट्यूनिंग खराब है, प्रधानमंत्री जी उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी के साथ वो उस तरह से नहीं जुड़ रहे हैं। यही कारण है कि चार बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चुनावी जनसभा में पूछते हुए दिखते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, और फिर उसी मंच से पूछते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, राजनीति में एक तरफा नहीं कुछ चलता है, दोनों तरफ से चलता है। हर एक नेता का अपने इलाके में बहुत बड़ा जनाधार होता है। एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सभी राज्यों के क्षेत्रीय नेताओं के रसूख को, प्रभाव को न केवल नज़रअंदाज कर रहा है, उपेक्षित कर रहा है, तिरस्कृत कर रहा है, बल्कि उसको दबाने के एकदम अंदाजे में काम कर रहा है, उसको दमित कर रहा है, एकदम एक तरफ लगा रहा है। इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अभी जब तक चुनाव चल रहा है, मेरा अपना यह अनुमान है कि अभी जब तक ये चुनाव चल रहा है तब तक तो वो नेता बगावती मूड में नहीं है, अपने उस बगावती भाव को जो इस तरह के व्यवहार से उनके मन में उठा होगा उसको दबाए रहेंगे कि कहीं हम चुनाव अभी भी जीत सकते हैं। और चुनाव जीतने के लिए शीर्ष नेताओं का साथ होना या दिखना या उनके साथ खुद को दिखाना जनता का वोट पाने के लिए जरूरी है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आ जाएगा और कहीं ये परिणाम नकारात्मक रूप से आ गया, तो 2024 के चुनाव में क्या वे नेता वही व्यवहार केंद्र के चुनाव में केंद्र के नेताओं के खिलाफ
नहीं करेंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। राजनीति में कोई किसी का होता नहीं है, सब लोग एक दूसरे के पारस्परिक जरूरत के हिसाब से संबंध में रहते हैं। तो यदि ऐसा हो गया तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, कम से कम इन दो राज्यों में हार का सीधा परिणाम जिन नेताओं को, जिन स्थानीय छत्रकों को ओवरसाइट किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है, लोकसभा के चुनाव में उनका विरोध भी देखा जा सकता है और शायद वो प्रत्यक्ष विरोध के रूप में सामने आ जाए। दूसरी बात, किसी बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता में भारत जोड़ो यात्रा के कारण से बहुत निखार आया है। बिहार में जिस तरह से जातीय सर्वे आ गया उससे हिंदुत्व के साथ जो ओबीसी जुड़ा हुआ था उसने एक बात जान ली है कि जातीय सर्वे का समर्थन मोदी सरकार ने नहीं किया। जो मोदी जी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने थे कि मंच से अपनी जाति बताकर वोट मांगते थे, मैं भी पिछड़ा वर्ग का हूं, अति पिछड़ा वर्ग का हूं, जब उन पे कांग्रेस सवाल करती थी उनका नाम लेकर तो अपने नाम के आधार पर उनके साथ किए गए सवालों को वो ओबीसी पर उठाए गए प्रश्न के रूप में दूसरी तरफ मोड़ दिया करते थे। आप उनका भाषण सुने होंगे कि भाई मुझे गाली दे दो तो दे दो, मेरी वजह से पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को गाली क्यों देते हो, जबकि गाली तो कोई दे नहीं रहा था, सवाल तो सीधे प्रधानमंत्री के नाते आपसे थे। लेकिन जाति का, आरक्षित वर्ग का, ओबीसी का जितना बड़ा विक्टिम कार्ड वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी खेल रहे थे, शायद ही कोई नेता अपने पिछड़े वर्ग से आने का ऐसा कभी भी विक्टिम कार्ड खेलते हुए दिखा हो। और इससे ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग उनसे जुड़ जाता था। लेकिन जब ओबीसी समाज ने मांग कर दी जाति जनगणना की, खासकर जब सदन में, संसद में राहुल गांधी जी ने इस मांग को उठा दिया और रायपुर के अधिवेशन में उठा दिया, तब जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी के मुद्दे से अपने को पीछे हटा लिए, उससे ओबीसी समाज को एक बात देखने का, चिंतन करने का एक अवसर मिला कि ये वास्तव में हमारे हितैषी हैं या कि ये हमारा वोट लेने के लिए पिछड़ा पिछड़ा कहते हैं। और विपक्ष के नेताओं में नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी और तमाम ऐसे नेता जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तमाम नेता प्रधानमंत्री जी की इस कमजोरी को भांप लिए कि ये जिस वर्ग का होने के नाम पर वोट मांगते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जब उस वर्ग के लिए कोई हितैषी बात कर दी गई तो ये बैकफुट पर आ रहे हैं, ये भाग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का जो कोर वोट रहा है, पहली बार उसके बीजेपी से दूर जाने की संभावना दिखने लगी है। तो इस समय तीन कारणों से इस चुनाव में न केवल बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है, बल्कि चुनाव हो या न हो, इन तीन कारणों से बीजेपी भारत के समाज में कमजोर होती दिख रही है। क्योंकि चुनाव के अलावा भी वो कमजोर होती दिख रही है, इसलिए इसका प्रभाव लोकसभा चुनावों पर जरूर पड़ेगा, आज की परिस्थिति को देखकर यही कहा जाएगा। हाँ, राजनीति में किसी भी दिन खेल बदल जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि जब कोई भी गेंद ऊंच पर फेंकी जाती है, महत्तम ऊंचाई पर जाने के बाद पहले तो धीमे होगी, शून्य उसका वेग होगा, तभी तो लौटेगी, और जब वो लौटना शुरू करती है तो उसकी गति तो तेज होती है लेकिन लौटने की गति तेज होती है। तो जितना एक के बाद एक चुनाव मैंने बताया, इन सब में उसके हारने के परिणाम तेज दिखाई दे रहे हैं, गति तेज दिखाई दे रही है। और अगर इसी गति से चलता रहा तो इस आशंका से मुंह नहीं फेरा जा सकता, इसको मना नहीं किया जा सकता कि 2024 का चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा वर्तमान मोदी सरकार के लिए। इसमें एक और बात है जो बहुत बड़ी है, इंडिया नाम का गठबंधन बनाम एनडीए। जब इंडिया गठबंधन फॉर्म हुआ तो हम सब ने देखा कि 38 दलों का एक गठबंधन अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने तैयार किया और ये जताया कि हमारे साथ 38 दल हैं, जबकि उन 38 दलों में जब देखा गया तो शिवसेना में जो शिंदे गुट है और एनसीपी में जो अजीत पवार गुट है, इन्हीं के पास एक दो सांसद हैं, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी के पास, सिर्फ कोई ऐसी पार्टी इनके साथ है ही नहीं जिसका कोई विधायक या सांसद हो,
हो सकता है कोई छोटी पार्टी हो, विधायक हो, लेकिन सांसद नहीं। रामदास अठावले की एक पार्टी होगी, यानी इक्का दुक्का सांसद वाली पार्टियां इनके साथ गई। यानी जो पार्टियां कभी बीजेपी के साथ होकर के उसका वोट प्रतिशत बढ़ा देती थी, जिससे सीट बढ़ जाती थी, अब वो सारी की सारी पार्टियां इनसे दूर जा चुकी हैं। आप ऊपर से चलिए, अकाली दल दूर है, फिर आप आइए महाराष्ट्र में, शिवसेना प्रमुख सहयोगी घटक दल हुआ करती थी, दूर है। आप बिहार में जाइए, जेडीयू इनसे दूर है। तमिलनाडु में जाइए, एआईडीएमके इनसे दूर है। दक्षिण भारत में तो इनका कोई सहयोगी संगठन नहीं है। एक जेडीएस देवगौड़ा जी की पार्टी इनके साथ गठबंधन की है, तो उसमें खुद में फूट पड़ गई है। यानी कि अब अगर कोई पार्टी इनके साथ जा रही है, तो उस पार्टी के नेताओं में भी ये भरोसा नहीं है कि हम इनके साथ जा करके चुनाव का लाभ ही लेंगे। ध्यान दीजिए, नेता उसी तरफ जाते हैं जिधर उनको लाभ दिखाई देता है, सत्ता में जो पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। तो इन सारे संकेतों से यही दर्शित हो रहा है कि 2023 का इन 5 राज्यों का चुनाव यदि बीजेपी के खिलाफ चला गया, तो इसे न केवल बीजेपी के खिलाफ मान लिया जाएगा, बल्कि ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ी हार के रूप में प्रयोग में लाया जाने वाला है। इसे जो है कई मुद्दों के आधार पर मापा जाएगा। फिर ओबीसी जात जनगणना, बिहार में आया जातीय सर्वे, बिहार सरकार ने जिस तरह से नौकरियां दे दी हैं, संविधान को मोदी सरकार से खतरे का जो प्रभाव दिखाई दे रहा है, सरकार द्वारा किसी भी आर्थिक मुद्दे पर जो सवाल किए गए हैं उसका कहीं भी संतोषजनक जवाब न देना, चाहे वो पीएम केयर फंड हो, चाहे चुनावी बॉन्ड हो, चाहे अडानी का 20,000 करोड़ रुपए का प्रश्न हो, विपक्षी नेताओं को, सवाल करने वाले नेताओं को जेल में भेजना, ये तमाम ऐसी हरकतें हैं जिनसे जनता इनके खिलाफ जा रही है, यही माना जाएगा। तो मेरा अपना अनुमान है कि इस बार का चुनाव परिणाम इन 5 राज्यों का 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा जरूर होगा, और यह उस चुनाव का सेमीफाइनल अगर कहा जा रहा है तो इसमें कुछ बहुत गलत नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।